हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसन जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम शुरू करेंगे मेडिवियल हिस्ट्री और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अर्ली मेडिवियल पीरियड, जिसमें हम नॉर्थ इंडिया के राजपूत पीरियड के से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द खाजुराहो टेम्पल्स। खाजुराहो टेम्पल्स किसने बनाए थे? तो वो थे चंडेला डायनेस्टी। चंडेला डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, जो मोस्टली खाजुराहो टेम्पल्स है वो उन्हीं के बनाए हुए हैं, चंडेला डायनेस्टी के रूलर्स के। सेकेंड है, अरब्स वर डिफीटेड इन 738 AD बाय। 738 में राजस्थान में बहुत सारी बैटल्स हुई थी, स्पेसिफिकली राजस्थान और सिंध के बॉर्डर में एक बैटल हुई थी जिसमें प्रतिहाराज ने अरब्स को हरा दिया था। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत किंग्स डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने हराया था, कौन से राजपूत किंग्स थे जिन्होंने हराया था? तो वो थे पृथ्वीराज थ्री। नेक्स्ट है, हु कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी। पुरी में जगन्नाथ टेम्पल जो है काफ़ी फेमस टेम्पल है, तो ये किसने बनाया था? ये बनाया था अनंत वर्मन ने। नेक्स्ट है, द दिलवारा टेम्पल इज लोकेटेड एट। दिलवारा टेम्पल कहाँ पे है? ये है माउंट आबू में। कहाँ पे है? माउंट आबू राजस्थान में। नेक्स्ट है, एल्ब्रूनी लिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एल्ब्रूनी जो थे ये कौन से टाइम पीरियड है के हैं, ये कब आए थे? ये महमूद गजनवी के का जब रूल था, महमूद गजनवी का, तो उस टाइम पे एल्ब्रूनी यहाँ पे आए थे। नेक्स्ट है, असर्शन रीजन की स्टेटमेंट है। असर्शन क्या है? द सक्सेस ऑफ द तुर्क्स अगेंस्ट इंडियन रूलर्स एट द एंड ऑफ 12th century वॉज एन इवेंट दैट एक्सपोज्ड द वीकनेस ऑफ इंडियन आर्मीज। अब देखो, 12th century में जो तुर्क्स जो थे उनकी सक्सेस हुई थी, वो जीत गए थे और इंडियन रूलर्स हार गए थे। अब उससे पता चलता है कि जो इंडिया की आर्मी थी वो वीक थी। इंडियन आर्मी के वीकनेस होने के रीजन्स क्या थे? एक तो था सबसे बड़ा रीज़न यूनिटी। अब जो इंडियन रूलर्स थे ना, उनके बीच में यूनिटी ही नहीं थी, सब आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे, जिसकी वजह से तुर्क्स जो थे सक्सेसफुल रहे थे। सेकेंडली क्या था, जो इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी के पास अच्छे वेपन्स नहीं थे, वही पुराने वेपन्स थे, उन्हीं से लड़ाइयाँ करते थे, जिसकी वजह से ये हार गए थे और ये वीक रूलर्स बन गए थे, राइट। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीज़न क्या है? लार्ज स्केल कन्वर्जेंस टू इस्लाम हैड डिप्लीटेड द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन आर्मीज, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। रीज़न क्या था वीकनेस का रीज़न था, इनकी सबसे बड़ा रीज़न यूनिटी था, कि इनके बीच में यूनिटी नहीं थी, ये आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे और ना ही इनके पास अच्छे वेपन्स थे। तो आंसर आ जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है, जयदेवा द फेमस ऑथर ऑफ गीता गोविंदा वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ। जयदेवा जो है ये लक्ष्मण सेना के कोर्ट पोएट थे, लक्ष्मण सेना के कोर्ट पोएट थे। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड फोर मठ्स इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के चारों कॉर्नर्स में जो चार कॉर्नर मठ बनाए गए हैं, तो ये किसने बनाए थे? ये बनाए थे शंकराचार्य ने। नेक्स्ट है, द लिंगाराजा टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड एट। लिंगाराजा टेम्पल कहाँ पे है? ये है भुवनेश्वर में, ओडिशा में। नेक्स्ट है, हु फॉर द बैटल ऑफ वैहिंद। वैहिंद की बैटल किसके बीच में हुई थी, किसने लड़ी थी वैहिंद की बैटल? ये आनंदपाला एंड महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट है, एल्ब्रूनी हु विजिटेड इंडिया एट द टाइम ऑफ महमूद ऑफ गजनी क्रिटिसाइज द हिंदू फॉर देयर एक्सक्लूसिवनेस विच केप्ट देम अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो एल्ब्रूनी थे, महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे आए थे इंडिया में, एल्ब्रूनी ने हिंदूज़ को क्रिटिसाइज़ किया। क्यों किया? ये बोल रहे थे कि ये जो हिंदूज़ है ना, इनमें कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड है, इतना रिजिड कास्ट सिस्टम है इनका, जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे वर्ल्ड से अलग होकर बैठे हुए हैं अपनी कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी की वजह से, राइट। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। रीजन क्या दिया है? ही बिलीव्ड दैट कास्ट सिस्टम वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, टेम्पल ऑफ सोमनाथ विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय महमूद ऑफ गजनी, जिसको महमूद गजनवी भी बोला जाता है, वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा का टेम्पल है जो टेम्पल ऑफ सोमनाथ है, इसको महमूद ऑफ गजनी ने
ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट है, इन इंडिया द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द थ्योरी दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। किसने थ्योरी दी थी ये अर्थ सन के आसपास घूमती है, ये थ्योरी थी आर्यभट्टा की, जो सबसे पहली बार ये थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, आर्यभट्टा ने दी थी ये। नेक्स्ट, सन टेम्पल ऑफ कनाक वॉज बिल्ट बाय नरसिम्हा देवा वन, टू विच डायनेस्टी ही बिलोंग्स टू। नरसिम्हा देवा वन जो थे ये कौन सी डायनेस्टी के थे, ये गंग डायनेस्टी के थे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में गोपुराम नहीं हुआ करता था। गोपुराम क्या है, गोपुराम होता है जैसे टेम्पल की एंट्री होती है, तो टेम्पल की एंट्री पे एक बड़ा सारा टावर बनाया जाता था जिसको बोलते थे गोपुराम। तो नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का ये फीचर नहीं है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज वेल नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा के फील्ड में भास्कर जो है उनकी काफ़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द प्रिजाइडिंग डिटी ऑफ बोधशाला टेम्पल। बोधशाला टेम्पल जो है वहाँ पे कौन सी डिटी की पूजा करी जाती है, तो वो थी गॉडेस सरस्वती। नेक्स्ट है, विक्रमशिला महावीरा वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द रूलर ऑफ। पाल डायनेस्टी के रूलर ने इसको इस्टेब्लिश करा था, जिसका नाम था धर्मपाला। नेक्स्ट है, दस कुमार त्रितम वॉज कम्पोज बाय। ये जो दस कुमार त्रितम है ये क्या है, ये एक संस्कृत प्रोस है। क्या है, संस्कृत प्रोस है। अब इसको किसने कंपोज किया था, इसको कंपोज किया था डंडेन ने। नेक्स्ट है, द लक्ष्मण इरा वॉज स्टार्टेड इन 1119 AD बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। लक्ष्मण इरा कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था सेना डायनेस्टी के टाइम पे, जिसका नाम था लक्ष्मण सेना, उन्हीं के नाम से ये शुरू हुआ था लक्ष्मण इरा। नेक्स्ट, सन टेम्पल इज सिचुएटेड एट। सन टेम्पल कहाँ पे है, कोणार्क में। नेक्स्ट, डैश वॉज वन ऑफ द फेमस फिलोसोफर एंड स्कॉलर ऑफ द पाला पीरियड। पाला पीरियड का फेमस स्कॉलर कौन है, फेमस फिलोसोफर कौन है, तो वो है अतीश दिवांकर। नेक्स्ट है, हु रोट रामचरिता। रामचरिता किसने लिखी थी, रामचरिता जो है ये लिखी थी संध्याकर नंदी ने। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, द विक्रमशिला विहारा वॉज फाउंडेड बाय। विक्रमशिला विहारा जो है ये धर्मपाला ने फाउंड करी थी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।